तो वहीं उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख तीर्थ नगरी वृंदावन के आईओपी कॉलेज में कल चली गोलियां। 10 बजे शिक्षण कार्य चल रहा था, इसी दौरान करीब आधा दर्जन बाहरी युवक कॉलेज में बाहर आए, किसी छात्र के बारे में छात्रों से पूछताछ करने लगे और जानकारी न मिलने पर अन्य छात्रों के साथ मारपीट कर दी। इतना ही नहीं, एक हमलावर द्वारा हवाई फायर भी कर दिया गया। अचानक गोली चलने की आवाज सुनकर कॉलेज में भगदड़ मच गई। वहीं कुछ छात्रों ने एक हमलावर को पकड़ लिया, मौके पर पहुंची पुलिस के सुपुर्द कर दिया। वहीं कोतवाली प्रभारी अजय कौशल भी मैफोर्स के कॉलेज पहुंच गए, जहां से प्राचार्य विपिन गौतम ने घटनाक्रम से अवगत कराया। वहीं पुलिस कॉलेज के द्वारा सीसीटीवी फुटेज और प्रोफेसर द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मामले की जांच में जुटी। मैं अपने कार्यालय में बैठा था 12:15 के लिए सेक्रेटरी साहब के साथ में, और यहाँ जो है डीन स्टूडेंट वेलफेयर हैं डॉक्टर रेणुवाल अगर, वो हम तीनों बैठे थे वहाँ पर अंदर ऑफिस में। तो अभी उसी समय एक चपरासी ने बताया कि बाहर झगड़ा हो रहा है बच्चों का, तो हम निकले तो यहाँ बाहर कोई फायरिंग करी एक लड़के ने, और फिर लड़कों की भगदड़ सी मची और उसके पीछे लड़के भागे। फिर जो है हमने इंस्पेक्टर कोतवाली में फ़ोन किया, 112 फ़ोन किया, तो फ़ोन वहाँ किसी ने पिकअप नहीं, मतलब एंगेज चलता रहा है। कई बार ट्राई किया, फिर इंस्पेक्टर को फ़ोन किया कोतवाली को, वो फिर उन्होंने कहा मैं पुलिस भेज रहा हूँ। उसके बाद जो है एक लड़के को पढ़ के लाए, महाविद्यालय के छात्र जो है बाहरी लड़के को, और उसको फिर जो है चौकी से दो सिपाही उन्होंने उसे हैंड ओवर कर दिया। सर सुना है गोली चली है यहाँ? हाँ मैं कहता हूँ ना, एक गोली चली है। क्या जो फायरिंग करने वाले वो आउटसाइडर हैं? आउटसाइडर हैं, बाहर के लोग। तो इस तरह की घटना पहले भी हुई? पहली बार बताते हैं, इस कॉलेज में पहली बार हुई है। नहीं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये घटना पहले भी कोई हुई थी, उससे लिंक्ड है आपने? ये एक लड़की जो है उसने बताया कि उसका भाई है उसमें इन्वॉल्व। हाँ। वो कह रही है मेरा उससे कोई संबंध नहीं है भाई से। कोई कारण था उसके पीछे? हमें नहीं पता क्या है, क्या कारण क्या है।